बहुत से मेल्स इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या फीमेल्स को ओरल जॉब या ब्लो जॉब पसंद है, क्या ये एक्चुअली फीमेल्स लाइक करती हैं या मना करती हैं, क्या प्रोबेबल रेशियो है, पसंद होता है या नहीं, डिटेल में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, मैं सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। ओरल सेक्स के बारे में मैं बहुत सारी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ, कैसे कन्विंस करना है वाइफ को ये भी बता चुकी हूँ, लेकिन क्या फीमेल्स इसे लाइक करती हैं या फिर मैं ही अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा हूँ, क्या सही क्या गलत, डिटेल में देखना है। मुझे पता है आप ये वीडियो देखने वाले हैं। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, शेयर करें ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स को। तो चलिए, हम बात कर रहे थे डस फीमेल लाइक ओरल जॉब्स एंड ब्लो जॉब्स। ये क्वेश्चन सिर्फ फीमेल से ही नहीं लेते, डस ह्यूमन लाइक ओरल जॉब्स एंड प्ले जॉब्स। यस, फीमेल्स ही नहीं मेल्स भी पसंद करते हैं ओरल जॉब देना, और ऐसा नहीं है कि भाई फीमेल्स को पसंद नहीं आता। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो खुल के इसे एंजॉय करती हैं, ऐसे बहुत से मेल्स हैं जो इसे एंजॉय करते हैं फीमेल्स में करना, या फिर फीमेल फीमेल के साथ भी प्लेजर कर सकती है। क्वेश्चन यहाँ आता है, ओरल सेक्स एंजॉय करना पसंद आता है लोगों को या नहीं? डेफिनेटली आता है। बहुत सारी ऐसी सर्चेज हैं जो कि ये दिखाती हैं कि लोग जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि ओरल सेक्स या ब्लू जॉब्स कितनी सेफ हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज के नाम पे, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जैक्टली इंटरकोर्स नहीं है, इससे बच्चा नहीं हो सकता। तो बहुत से कपल्स इसे एग्जैक्टली सेक्स ना करते हुए सिर्फ इसे प्लेजर या इन्जॉय करते हैं और उसे कम्प्लीटली सेफ भी माना जाता है। किन चीज़ों का ध्यान यहाँ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस पार्टनर के साथ कर रहे हैं उसकी मेडिकल आइडेंटिटी, मतलब उसे किसी भी तरह के STIs या फिर इन्फेक्शंस ना हो, ये आपके लिए जाना ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको बहुत लंबा किसी प्रॉब्लम में डाल सकता है। साथ साथ अगर हम डिस्चार्ज की बात करें कि मेल फीमेल का या फीमेल मेल का ले सकती है, तो वो भी एब्सोल्युटली सेफ है जब तक आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हैं या फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट से आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हैं। लेकिन अगर आप बार बार पार्टनर बदल रहे हैं और सिर्फ ओरल सेक्स ही इंजॉय करते हैं, आपको लगता है अब तो सेफ ही है ना, मैं बार बार बदल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट राइट। ऐसे में ज़रूरी है कॉन्डम का प्रयोग करना। फीमेल फीमेल कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं, मेल मेल कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं। कॉन्डम्स का प्रयोग करना आपके ओरल सेक्स को बेटर कर सकता है। अगर आप थोड़ा प्लेजर और बढ़ाना चाहते हैं तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं। थोड़ा और प्लेजर बढ़ाना चाहते हैं तो आप डॉटेड कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओरल सेक्स करते वक्त कॉन्डम का प्रयोग नहीं करेंगे या आपको लगेगा कि ओरल करना ही नहीं चाहिए, दैट इज रॉन्ग। अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूं तो बहुत बार क्लीनलीनेस के इशू के कारण, या नीचे आपने शेव नहीं किया होता है, या आपके क्लोथ्स बहुत ज़्यादा डर्टी होते हैं, उसके कारण पार्टनर्स एक दूसरे के साथ नहीं करते, या फिर एक ही पार्टनर कर रहा होता है दूसरा पार्टनर नहीं कर रहा होता या डिनाई कर देता है, दैट इज़ रॉन्ग। कोशिश करें कि अगर आप रिसीव कर रहे हैं ओरल प्लेजर तो दें भी, अगर मेल्स रिसीव कर रहे हैं अपनी फीमेल से या फीमेल करती हैं तो मेल्स भी करें। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपस में कंसेंट के साथ किया जाए, दैट इज बेटर। तो अब आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ पाए हैं दैट फीमेल्स ऑल्सो लाइक ब्लो जॉब्स एंड इवन मेल ऑल्सो लाइक गिविंग ब्लो जॉब्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है, और पर्सनलाइज कंसल्टेशन के लिए www.drneha.com।